दोस्तों ये देखिए ESP कंट्रोलर, और ESP कंट्रोलर में आपको 4 मीटर दिखाई दे रहा है। जैसा हर एक ESP कंट्रोलर में 4 मीटर रहते हैं, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट देखने के लिए 4 मीटर लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुआ है, देखिए इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज तो ले रहा है लेकिन सेकेंडरी करंट यानी मिली एम्पियर देखिए पूरा जीरो दिखा रहा है। सेम प्राइमरी का, प्राइमरी वोल्टेज तो ले रहा है लेकिन प्राइमरी करंट पूरा जीरो दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों? और देखिए तीनों फील्ड का जो तीनों कंट्रोलर है, तीनों कंट्रोलर का सेम सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो ये फॉल्ट क्यों आ गया है दोस्तों? लेकिन ये कुछ भी ट्रिप नहीं हो रहा है, कुछ भी फॉल्ट में ट्रिप नहीं हो रहा है, लेकिन मिली एम्पियर बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है, कौन सा रीजन की वजह से मिली एम्पियर बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, चलिए आज का वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि ये फॉल्ट क्या हुआ है। नॉर्मली तो ये फॉल्ट आ जाता है दोस्तों जब भी हमारा फील्ड ओपन सर्किट में हो, तो उसी कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है, कुछ भी मिली एम्पियर नहीं लेगा, वोल्टेज लेगा, केवी भी डेवलप होगा लेकिन मिली एम्पियर और प्राइमरी करंट कुछ भी डेवलप नहीं होगा। जनरली ये होता है जब भी हमारा फील्ड ओपन सर्किट में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या ये तीनों के तीनों फील्ड ओपन सर्किट में है क्या। अगर ओपन हो गए होंगे तो इसी कंडीशन में ये ट्रिप हो जाना चाहिए। लेकिन तो दोस्तों ओपन सर्किट को कैसे चेक करेंगे? ओपन सर्किट को चेक करने के लिए आप देखें कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, ESP रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, वहां से जो केबल गया है वो केबल कहीं पे ओपन हो गया होगा। और ज्यादातर चांस रहता है कि आपका जो आर्थ स्विच जहां पे लगा रहता है, आर्थ स्विच ओपन कंडीशन में रहा होगा, यानी आर्थ स्विच का काम होता है वो दोनों को क्लोज कर दे, यानी आपका जो ट्रांसफार्मर का जो आउटगोइंग केबल और आपका जो फील्ड को जाता है जो केबल, वो दोनों अगर ओपन हो गए होंगे तो यही कंडीशन में आपका ओपन सर्किट हो गया होगा। लेकिन जाके हमने जब देखा तो ये ओपन कंडीशन में नहीं था, पूरा क्लोज था, यानी ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग केबल एंड फील्ड का जो केबल वो ओपन कंडीशन में नहीं था, दोनों क्लोज कंडीशन में थे। तो हमको पता चल गया कि ये ओपन सर्किट का मामला नहीं है। तो अगला क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? अगला रीजन हो सकता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो फीडबैक आता है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट से दो फीडबैक आता है, एक होता है केवी का, दूसरा वाला है मिली एम्पियर का। तो वो दोनों को चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे तो केवी दिखा रहा है तो केवी को चेक करने का जरूरत नहीं, आप बस मिली एम्पियर का जो फीडबैक आता है, मिली एम्पियर का फीडबैक को चेक करें। तो मिली एम्पियर का फीडबैक को हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों? ये फीडबैक सर्किट को चेक करना थोड़ा रिस्की हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको ये ऑन कंडीशन में चेक करना है। ऑन कंडीशन में चेक करेंगे तो भी तो आप पता कर पाएंगे कि फीडबैक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फीडबैक सर्किट सही है। तो दोस्तों मिली एम्पियर फीडबैक को आप कैसे चेक करेंगे? मिली एम्पियर फीडबैक को चेक करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर सेट खोलने की जरूरत नहीं, फीडबैक सर्किट को आप ट्रांसड्यूसर से चेक कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर का जो इनपुट लगा होता है, इनपुट पे आप चेक करके देखिए, मल्टीमीटर लीजिए, ट्रांसड्यूसर का इनपुट पे आप चेक कीजिए, मल्टीमीटर लगा के ट्रांसड्यूसर का जो इनपुट सर्किट रहता है, ट्रांसड्यूसर में एक इनपुट रहेगा, एक ऑक्सिलरी सप्लाई रहेगा और आउटपुट एक रहेगा। तो आपको चेक करना है ट्रांसड्यूसर का इनपुट में, चेक करना है इनपुट में आप क्या चेक करेंगे? ट्रांसड्यूसर में इनपुट, आउटपुट और एक ऑक्सिलरी सप्लाई रहता है। तो आपको चेक करना है ट्रांसड्यूसर का इनपुट में, चेक करना है ट्रांसड्यूसर का इनपुट अगर वोल्टेज में है तो मल्टीमीटर को आप DC वोल्टेज में रखिए, और DC वोल्टेज में रख के आप चेक कीजिए। जैसा कि देखिए हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.040 यानी कुछ भी मिली एम्पियर नहीं आ रहा है, ट्रांसफार्मर से ट्रांसड्यूसर तक कुछ भी फीडबैक नहीं आ रहा है, जीरो फीडबैक आ रहा है। और देखिए KV का हमने चेक किया तो KV फीडबैक 2.8 वोल्ट आ रहा है, 2.8 वोल्ट DC आ रहा है। तो इसीलिए हमारा KV दिखा रहा है और मिली एम्पियर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मिली एम्पियर फीडबैक ट्रांसफार्मर से नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? इसका एक रीजन हो सकता है कि आपका जो कंट्रोलर का आपने VDC लिमिट जो सेट करना था, VDC लिमिट को आपने कम सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जाके देखा कि ये जो VDC लिमिट था, यानी वोल्टेज लिमिट थोड़ा कम था, तो हमने सेटिंग में जाके इसका वोल्टेज लिमिट को बढ़ा दिया दोस्तों। तो कंट्रोलर में ये सेटिंग रहता है, आप लोग VDC, IDC इसका लिमिट आप कर सकते हैं। अगर VDC का लिमिट आप कम कर देंगे तो आपका मिली एम्पियर डेवलप नहीं होगा।
तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कंट्रोलर में जाए, कंट्रोलर का VDC लिमिट, जो वोल्टेज सेकेंडरी साइड DC का लिमिट, उसको थोड़ा हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद आप देखिए आपका मिली एम्पियर फीडबैक आ जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो से आपको पता चला कि ESP अगर मिली एम्पियर या प्राइमरी करंट डेवलप नहीं कर रहा है तो उसका एक रीजन हो सकता है कि आपका जो VDC लिमिट आपने कम सेट कर दिया है। अगर आपने लोड दे दिया और VDC लिमिट आपका लो है तो उसी समय आपका कुछ भी मिली एम्पियर डेवलप नहीं होगा, जीरो दिखाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुलबुल।